वेलकम दोस्त, आप लोगों का मैं लालू की राना भर से मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप लोगों के आज छोटा बड़ा के लिए एक रेसिपी लेके आया, जरूर आप लोग देख लीजिए। सही रेसिपी आप लोग दिखाएंगे। देख लीजिए, आज जो रेसिपी आप लोग दिखाया देख लीजिए, एकदम बिल्कुल छोटे बड़े के लिए एक कटलेट। यही एक कटलेट आप लोग का मैं जो प्रोसेस बनाया उसी प्रोसेस में आप लोग देखने दिखना चाहिए। और आप मतलब सारे पूरी वीडियो दिखना पड़ेगा आप लोगों को। पूरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों के सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये इसी एक कटलेट वीडियो जो पसंद लगे आप लोग जरूर सब्सक्राइब अति अवश्य करें। ये पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैं एक कटलेट बनाने के जो उपकरण आप लोग दे दीजिए, पहले 5 पीस उबलने वाला आलू, 2 पीस कच्चा अंडे, 4 पीस उबलने वाला अंडे और बिस्किट गुड़ा। और ले लिया मैं सरसों तेल, 2 पीस हरी मिर्च बारीक बारीक काट लिया, प्याज बारीक बारीक 2 पीस काट लिया, मैदा, अदरक लहसुन पेस्ट, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, ये लेके मैं बना के दिखाऊंगे। एबार आप लोगों को मैं दिखाऊंगे। आलू ले लिया मैं, एबार नमक 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर और लेंगे मैदा 1 चम्मच, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ी बहुत सरसों तेल। अगर सारे मिलाऊंगी मैं, देख लीजिए मैं सारे आलू मल लिया, एक के बारे मिला लिया, बस ना आलू तैयार हो गई। एबार बाद में दिखाएंगे। मैं सारे मल लिया, एबार मैं दे रही हूँ अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। नॉन वेज इसलिए अदरक लहसुन पेस्ट दे रही हूँ। कच्चे अंडे मैं क्या कर रही हूँ आप लोग देख लीजिए। मैं इसमें थोड़ी बहुत नमक, जीरा पाउडर, कटा चम्मच से मैं कटलेट बनाऊंगी, उस टाइम एक कच्चा टीम मुझे यूज करूंगी। देखो मैं इसे फाट लिया, कटा चम्मच से मैं फाट लिया। एबार मैं अंडे 2 पीस बनूंगी, मैं कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। एबार मैं आप लोगों के कैसे बनाएंगे मैं दिखाऊंगी। 1 पीस देख लीजिए, इसी करके बनाना पड़ेगा। मैं और पैकेट बना,
मैं सारे तैयार कर लिया, एबार फ्राई करूंगी। देख लीजिए हल्का आँच में देना पड़ेगा। कितने अच्छा बन गई हमारी कटलेट, देख लीजिए एक के बारे। और कंप्लीट हमारी एक कटलेट मैं तो बना लिया। इसी प्रोसेस में आप लोग मुझे बना लीजिए। आप बनाने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिए। एबार कमेंट करने के बाद आप लोग घर में बैठ के आराम से खा लीजिए और आप लोग सुस्त रहे, ठीक रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।